क्या मस्जिद, वो जो सच्चाई को लेके आया, वो जो सिदाकत को लेके आया, सद्दक भी, और जिसने उसकी गवाही दी, जिसने उसकी तस्दीक की, उलाएका हुमुल मुत्तकून, यही साहिबान तक्वा है और यही परहेजगार। सिलसिला बयान जन्नियाली में होगा। कल मैंने इब्तिदा में आपके खिदमत में अर्ज किया था कि मजलिस का इज्तिमा दुनिया के तमाम इज्तिमा से अलग है और वो फर्क हमको नुमाया नजर आता है सारी दुनिया में। और खुदा का लाख लाख शुक्र है, ये जो सिस्टम है सदियां गुजर गई आज तक किसी ने इतराज नहीं किया। ये बात बहुत काबिल गौर है, अभी उसको आज सुनने को आप मालूम पाएगा। मुद्दतें गुजर गई, आप अपने बचपन से मैं जिसे सुन रहे हैं, बड़े बड़े उलमा को सुना, अलादीन को सुना, जाकिरीन को सुना, बड़े बड़े साहिबान इल्म व कमाल को सुना, और फिर वो सुनने वाला मजमा जो उस दौर में था, जो उस जमाने में था, जिसको हमने और आपने अपनी आंखों से नहीं देखा, वो इतना बाकमाल और बाफहम और साहिब इस्तेदाद होता था कि हम उस मजमे को नहीं आ सकते तो जाकिर क्या समझ में आएगा। सुनने वालों का भी एक स्टैंडर्ड होता है, सुनने वाले का भी एक मेयार होता है। अब जाहिर है न वो सलाहियत हमारे पास है, न वो जबान हमारे पास है, न वो इस्तेदार हमारे पास है। तो दौर गुजर गया, वो जमाना गुजर गया, वो है गुजर गया, मगर वो तरीका आज तक कायम है और बरकरार है कि हमारे ऐसे आमी लोग भी जब मिंबर पर आते हैं तो गुफ्तगू का आगाज या कुरान की आयत से करते हैं या रसूलुल्लाह की हदीस से करते हैं। नाराज नहीं हुआ, सबने खामोशी से सुना और
इल्म अदब के मामले में कोई किसी को रोक नहीं सकता है, कोई किसी को मना नहीं कर सकता है, कोई किसी को टोक नहीं सकता। और रमाया आपने लाख आपके मुझसे ताल्लुकात हों, ये मेरे दोस्त बैठे हैं, अब बैठे हैं, आप हजरात सब बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, तशरीफ लाते हैं, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, लेकिन एक शोरा में तशरीफ रखते हैं, अगर मैं ऊपर से कोई नामौजू शेर बोलूं, अपना शेर या किसी का भी शेर, अगर मिंबर से मैं वालिद का या अब्बास का या किसी का शेर पढ़ूं और नामौजू हो, नामौजू पढ़ूं, तो बहुत से लोग एक दूसरे को देख के मुस्कुराएंगे, तो क्या आप उन्हें मुस्कुराने से रोक सकते हैं? क्या आप उनका बिगड़ सकते हैं? क्या आप उनका नाराज हो सकते हैं? और मैं नामौजू दो तीन शेर पढ़ के जिस पढ़ के चला गया तो किसी ने आपको टोका कि मौलाना शेर तो पढ़े, आप इस गहरे तंस को समझे, आप बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, बहुत चाहते हैं, मगर मोहब्बत के जोर पर आप नामौजू को मौजू नहीं साबित कर सकते, जैसे सिक्के के दो रुख होते हैं,
कि हमारी खुली छूट है, आप हजरात जिससे चाहे मोहब्बत करें, लेकिन अगर महबूब में कोई आए तो हम झुक के नहीं बैठेंगे। हमारी जबान का पहरा ना लगाइएगा, इस लिहाज से कि मोहब्बत अपने मकाम पर, और ये अपने मकाम पर के महबूब हसीन है कि नहीं, खूबसूरत है कि नहीं, अच्छा है, जिससे इंसान मोहब्बत करता है, कोई हो अगर महबूब में आए भाई, पहली बात तो है कि वो आप हुस्न नहीं कर सकते, यानी खराबी को आप खूबी नहीं कर सकते, यह मतलब है इसका। कोई खराबी है अगर तो अपने ताकत से और अपनी कुवत से और अपनी जहानत से लाख जोर दें आप, खूबी खूबी रहेगी, बदी बदी रहेगी, चाहे तो आलिम नहीं हो जाएगा, बदमिजाज है तो कुछ अखलाक नहीं हो जाएगा, कुरान नहीं याद कर पाता है तो हाफिज नहीं हो जाएगा, मुश्किल नहीं है कर पा रहा है तो बड़ा आलिम नहीं हो जाएगा। तो अगर महबूब में आए भाई तो पछतावानी है, निदामत है, शर्मिंदगी है, नजर का नीचा होना है, और फिर आदमी की के नफ्सियात ये भी होते हैं कि मजमे में वो घबराता भी है कि कहीं हमारे महबूब का जिक्र ना होने लगे। इसे हम चाहते हैं कहीं उसका तस्किरा ना होने लगे, शायद वाह wow।
جان قربان ہو جائے تاجدار انبیاء کی زبان مبارک پر. حضور کے جملے پر کائنات سکتے، سرکار مدینہ کی حدیث پر دنیا نثار. ایک چھوٹی سی حدیث ازل سے لے کے اب تک سب کو سمیٹ دیا. ساری کائنات میرے رسول کی مٹھی میں ہے. خالی اتنا فرمایا کہ ذکر علی کی عبادت.
ये कोई खिताबत नहीं है, मुझे क्या रिश्ता है खिताबत से। ये मैंने कुरान पढ़ा है, बेशक बेशक ये मैंने कुरान पढ़ा है। आप सही नहीं, आपको याद आ गया होगा, इसीलिए मैं रेफरेंस नहीं दे रहा हूं। हबीब, ऐसा महसूस होता है कि आवाज आ रही है, डंके की चोट पर पहुंचाओ। डरना नहीं, तुम मेरे रसूल हो, घबराना नहीं, परेशान ना होना, हैरान ना होना। कोई मसलहत नहीं है, कोई सियासत नहीं है, पहुंचाओ रंगे की चोर पर, इन्हें तो हम देख लेंगे। ये वही है बदलाव का सुनोपन नाश।
मुख्तसर सी हदीस, मेरी जान कुर्बान मगर महसूस होता है नगीने जड़े में। इरशाद फरमा रहे हैं सिद्रो अली की निबादा और बात कंप्लीट हो गई, न कुछ पहले न बाद में। रसूल फरमा रहे हैं सिद्रो अली की निबादा, अली का जिक्र इबादत है, गैर मशरूत कंडीशनल नहीं है। कि बचपन का जिक्र इबादत है, कि नौजवानी का जिक्र इबादत है, कि बुढ़ापे का जिक्र इबादत है, कि जवानी का जिक्र इबादत है, मक्के का जिक्र इबादत है, मदीने का जिक्र इबादत है, सुनो का जिक्र इबादत है, कि जिहाद का जिक्र इबादत है, अली की नमाज का जिक्र इबादत है, कि अली के रोजे का जिक्र इबादत है, कि अली के हज का जिक्र इबादत है, कि अली की शजाअत का जिक्र इबादत है, कि अली की सखावत का जिक्र इबादत है, कि अली के अखलाक का जिक्र इबादत है, कि अली के अनुभव का जिक्र इबादत है, अली के उठने का जिक्र इबादत है, कि अली के बैठने का जिक्र इबादत है, दावत अशीरा की गवाही का जिक्र इबादत है, कि शब हिजरत सोने का जिक्र इबादत है, बदर का जिक्र इबादत है, कि उहद का जिक्र इबादत है, कि हुनैन का जिक्र इबादत है, कि फतह मक्का का तज़किरा इबादत है, ज़मीन का जिक्र इबादत है, या मेराज का जिक्र इबादत है। Ah!
सरकार।
वो सब बातें बयान तो नहीं की जा सकती, लेकिन मैं ये कहता हूँ कोई साहिब इल्म साहिब अकल अपने हिसाब से कैलकुलेट करे तो 50 चीजें ईजाद हो गई हैं। 2100 करे कि 800 वर्ष में कितने नारे लगना चाहिए थे। को खत्म करना चाहता हूं और
और कहा है वे पना कहा है यहां के लिए भी और वहां के लिए भी। एक हदीस आप सुन लीजिए इसी जैल में कि सरकार तो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफा
ये लगाए